दोस्तों आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आप लोग देख रहे होंगे गवर्नमेंट जिस तरीके से वहां पे शिकंजा कसना चाह रही है, वो क्यों करना चाह रही है, इसके बारे में आज की पूरी वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा कि हाँ ये सही है या गलत। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने अभी ऐसा बोला है कि हम जनवरी 2020 तक व्हाट्सएप पे पूरी तरीके से कंट्रोल पा लेंगे। ना केवल व्हाट्सएप, जितने भी मैसेजिंग ग्रुप्स हैं लाइक टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, ये जितने भी है वी चैट है, इन सब पे गवर्नमेंट कंट्रोल पाना चाह रही है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित कर रही है जनता को, सबसे ज़्यादा जो जनता के बीच में वायरस का काम कर रही है, वो व्हाट्सएप को बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप पे कुछ ज्ञान दे दिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा और उसको इस तरीके से फैलाया जाता है कि उसको साइबर की ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं कि उसे रोक सके। मैसेज अगर स्टार्ट हो गया तो गया। तो दोस्तों उसके दम पे हो क्या रहा है, लोग गलत तरीके का प्रचार कर रहे हैं। जो सही मैसेज है, जो सही में समाज तक जाना चाहिए, वो नहीं जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे और काफी युवा, उनको तो लगता है कि यही, ये जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ते हैं, यही रियल ज्ञान है, किताब में लिखी हुई चीजें सब गलत है। अच्छा, बात तो ये देखता हूं मैं, कभी कभी लोग आपस में बहस करने लगते हैं और बहस का मुद्दा जो रहता है व्हाट्सएप के ज्ञान से उठाया गया रहता है। इतना ही नहीं दोस्तों, 2018 में गवर्नमेंट की तरफ से एक एम्प्लॉय गया और वो गांव में जाके बोलने लगा कि व्हाट्सएप पे आपने जो मैसेज पढ़ा है वो मैसेज गलत है, फैक्ट ये है। गांव वालों ने घिर के उसको मार डाला, तो उसकी मृत्यु का भी न्यूज़पेपर में हम लोगों को सूचना मिली। तो इस तरीके का जो कांड हो रहा है, युवा हमारे जो व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ के एकदम एग्रेसिव हो जा रहे हैं, तो दोस्तों इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही है। इतना ही नहीं, अभी लास्ट ईयर में, लास्ट दो सालों में 40 लोगों की मौत सामने आई है। ये 40 तो सामने आई है जो हम लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा है। ऐसे पता नहीं कितने लोग हैं जो व्हाट्सएप के वजह से आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस के घर में ही लड़ाई कर रहे हैं, समाज में लड़ाई कर रहे हैं और उसी के ज्ञान को ही सब कुछ समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस पे अपना शिकंजा कसना चाहती है कि जो लोग गलत मैसेज कर रहे हैं उनको हम पकड़ सकें, अगर वो गलत है तो उस पे हम उन पे शिकंजा कर सकें। कहां तक ये कर पाएंगे, कहां तक ये संभव है, ये देखने के पे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो ये लागू नहीं हुआ है। जब ये लागू होगा तब पता चलेगा कि गवर्नमेंट कितना कंट्रोल कर पाएगी इस चीज को। जैसा कि दोस्तों अगर आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूं, चीन में भी कुछ इसी तरीके से हो रहा था। तो चीन में आपको पता होना चाहिए वहां पे वी चैट यूज करते हैं, वी चैट पे गवर्नमेंट ने शिकंजा लगाया है कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो उनके खिलाफ है, अगर वो आप उस पर टाइप करोगे तो वो अपने आप गायब हो जाएंगे, वर्ड ही नहीं आप टाइप कर सकते हो। उसके अलावा चीन में जो भी आप चीजें पढ़ते हो, जो भी आप दूसरे को शेयर कर रहे हो, वो गवर्नमेंट के अंडर में रहता है। तो मुझे लगता है भारत भी उसी को फॉलो करेगा, इसी रूल को आगे ले आने की कोशिश करेगा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जिनका खुद का कंपनी है, जो अपने पर्सनल डाटा, सीक्रेट डाटा एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो बहुत डरे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कहां तक यह सही रहेगा, और उनके लिए सोचने वाली बात भी है, क्योंकि उनके पर्सनल डाटा अगर शेयर हो रहे हैं और वो तो उनके ग्रुप में है, लेकिन अगर ग्रुप से बाहर जा रहे हैं तो उनके कंपनी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। आप बताइए कि क्या ये लागू होना चाहिए, क्या ये गवर्नमेंट का एक अच्छा रूल हो सकता है? आप अपनी जो भी मत है आपके पास वो मत दीजिएगा, आप हमें बताइएगा कि व्हाट्सएप पे भारत का इस तरीके का शिकंजा होना चाहिए कि नहीं। अगर आप हमारी बात करें तो हम तो ये कहेंगे कि अगर हो रहा है तो अच्छी चीज है, बट उसे सरकार भी सही तरीके से यूज करे। अगर सरकार की तरफ से कहीं से गलती हुई तो ये बहुत ज्यादा नाम भी खराब होने वाली चीज हो जाएगी, बट अगर सही तरीके से सरकार यूज करेगी तो मुझे लगता है कि काफी हद तक ये सराहनीय होगा, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बंद होना बहुत जरूरी है। लोगों को वेद उसी पे पढ़ाया जा रहा है, लोगों को साइंस भी उसी पे पढ़ाया जा रहा है, लोगों को जय माता दी और जय श्री राम उसी पे पढ़ाया जा रहा है, लोगों को तरह तरीके की इस तरीके की जो अफवाहें हैं बहुत फैलाया जा रहा है। जरूरत है उन पे शिकंजा कसने की। दोस्तों व्हाट्सएप के ग्लोबल हेड
कालबुन की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी अभी लास्ट ईयर फरवरी में आए थे वो दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि देखिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजें तो हम प्राइवेसी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने लास्ट ईयर, अभी आप लोग देख रहे होंगे, आप 5 लोगों से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो मैसेज, प्लस अगर आप मैसेज को फॉरवर्ड करोगे तो ऊपर फॉरवर्ड का ऑप्शन आता है, वहां दिखता रहता है कि फॉरवर्ड किया गया वो मैसेज है। इस तरीके का उन्होंने शिकंजा कसा हुआ है। लेकिन वो बोल रहे हैं हम पर्सनल डाटा को इतने लेवल तक हम शेयर नहीं कर सकते क्योंकि व्हाट्सएप की नींव ही रखी गई है प्राइवेसी के नाम पे। और अगर हम जैसा कि गवर्नमेंट क्या कुछ ऐसा का गवर्नमेंट का प्लान था कि हम जो भी लोग मैसेज बनाए हैं, जो उस तरीके के मैसेज को बनाए, अगर वो मैसेज निगेटिव है तो उस मैसेज बनाने वाले को पकड़ा जा सके। अभी व्हाट्सएप के पास ऐसा रूल, व्हाट्सएप अपना शेयर नहीं करना चाहता है। इसमें बस एक काम हो सकता है, जिसने बनाया उसका ऊपर मैसेज रख, उसका ऊपर नंबर रख दिया जाए, मोबाइल नंबर रख दिया जाए, जिससे लोगों को पता तो चल जाएगा लेकिन वो फिर प्राइवेसी नहीं रह जाएगी, और प्राइवेसी नहीं रह जाएगी तो व्हाट्सएप का बिजनेस डाउन हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता है तो जो अभी फॉरवर्ड करने का मैसेज का जब से रूल आया है कि 5 लोगों को ही फॉरवर्ड कर सकते हो और ऊपर फॉरवर्ड का ऑप्शन लिखा रहेगा, तब से 25% व्हाट्सएप कस्टमर्स की डिक्रीजिंग हुई है। मींस वहां पे लोगों का फॉरवर्ड होना कम हो गया है मैसेज। पहले लोग 250 लोगों को कर देते थे, 150 लोगों को कर देते थे, अब 25% जो मैसेज है वो कम फॉरवर्ड होने लगे हैं। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोगों का व्हाट्सएप मैसेज भी बंद किया गया है। अगर उन लोगों ने बार बार एक ही मैसेज को कई लोगों को भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप उनको खुद से ही ब्लैकलिस्ट करके उनके नंबर को ब्लॉक कर रहा है। अभी हमारे संचार मंत्री ने बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे इंडिया के लोगों को प्रोटेक्ट करने की, जो इस तरीके के मैसेज हो रहे हैं इनको हम बचाएंगे इनसे लोगों को। और साथ ही साथ अभी देखा होगा कुछ लोगों के साथ अभी फ्रॉड हुआ है, कुछ पत्रकार के साथ, कुछ राजनीतिक दलों के साथ इस तरीके की घटनाएं हुई हैं कि लोगों का डाटा शेयर हो चुके हैं। उसके लिए फिलहाल अभी व्हाट्सएप पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाया है, लेकिन अगर व्हाट्सएप पे सिक्योरिटी लगती है तो आपका क्या मत है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप अपना मत दीजिए कि ये सिक्योरिटी लगना जरूरी है कि नहीं, और लगे तो किस हद तक लगे, ये भी आप शेयर करिएगा आप हमारे साथ। दोस्तों हमारा ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाँ सर अच्छा लगा। और साथ ही साथ अगर आपको लगा हो कि वैल्यूएबल कंटेंट था तो आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे उनके अंदर भी अवेयरनेस आ सके। वो भी व्हाट्सएप पे जो इस तरीके का अफवाह वाले मैसेज आ रहे हैं उनको कम से कम भेजना स्टार्ट कर सके, क्योंकि दोस्तों अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्यादा किताबों का ज्ञान फिर से आना जरूरी हो गया है। जिस तरीके से पीछे हम लोगों ने देखा काफी हद तक लोगों ने अभी पढ़ना ही बंद कर दिया, सारा ज्ञान मोबाइल पे होने लगा, और वो अगर बंद नहीं होगा तो बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा लेवल पे क्राइम बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप बताइए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।